नमस्कार आम सर को स्वागत करीमा प्रथम नजर पकेबा हेडलाइंस उपरे सबु सहर को आवर्जना मुक्त करने लक्ष्य स्वच्छ भारत और अमृत मिशन 2.0 रो शुभारंभ करे प्रधानमंत्री सफे कर्मचारी को कहले स्वच्छ भारत मिशन रो महानायक कठिन बर्ज्यवस्तु पाई 3R फॉर्मूला स्थायी निजुक्ति दाबी रे ठिका कर्मचारी टाटा पावर कार्यालय आगे आउटसोर्स कर्मचारी अभिनव प्रतिवाद जोता पुलिस करी प्रतिवाद जणाइले विद्युत कर्मचारी आंदोलन को 72 दिन बीती जाइथिले भी कौनसी पदक्षेप निया जाउ नथिबा अभिजोग चांदीपुर बेलाभूमि रे मद कुड़िया निर्माण को विरोध बीच सैक स्नैक योजना बंद करने को स्वेच्छासेवी संगठन पक्षर आंदोलन बालेश्वर जिलापा कार्यालय सम्मुखें धारणा झारसुगुड़ा बेआईन पाउंस डंपिंग को विरोध परमाणपुर राजारास्ता को ओल्लैले शताधिक आंदोलनकारी पुराणा ठारु परमाणपुर पर्यंत सृष्टि होइछि विषबलय गंजाम रे आयुष डाक्टर संघ पक्षर आंदोलन स्थायी निजुक्ति नहले गांधी जयंती असहयोग आंदोलन चेतावनी कोविड समय रे निज जीवन को बाजी लगाई कार्य नियोजित थिले एबे गुरुत्व देउनांती सरकार एबो नियंटिया वर्षा सहित शेष होला मौसुमी ऋतु जून रु सेप्टेम्बर मध्य 9.8% कम वर्षा रेकर्ड जून रे 3 जुलाई रे 19 अगस्त 29% नियंटिया वर्षा रेकर्ड सबु सहर एवं आवर्जना मुक्त स्वच्छ भारत और अमृत मिशन 2.0 रो शुभारंभ समय एक प्रधानमंत्री ए अवसर में सफे कर्मचारी को स्वच्छ भारत मिशन रो महानायक कहते मोदी समस्त सहरवासी पाखे 100% पानीय जल पहुंचा योजना कर उभय स्वच्छ भारत और अमृत मिशन आमको गर्व कर अवसर देखिए मिशन सहित तो जोड़ी हो मान मर्यादा एवं महत्वाकांक्षा एवं मातृभूमि प्रेम सेपरी कठिन बर्ज्यवस्तु 3R फॉर्मूला करा जाइछि रिड्यूस रिसाइकल रीयूज के गुरुत्व दिया 10 कोटी शौचालय लक्ष्य पूर्ण होइछि सुरेज और सेफ्टी मैनेजमेंट उपर गुरुत्व देउछन्ति केन्द्र सरकार एपरिकि रेकर्ड बजेट मध्य देउथिबा प्रधानमंत्री निज अभिभाषण रे कहिछन्ति मैं देश की इन उपलब्धियों पर हर भारतवासी को बधाई के साथ ही स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 और अमृत 2.0 के लिए शुभकामनाएं देता हूं और इससे सुखद ये क्या होगा कि ये नई शुरुआत आज गांधी जयंती के एक दिन पहले ही हो रही है यह अभियान पूज्य बापू की प्रेरणा का ही परिणाम है और बापू के आदर्शों से ही सिद्धि की ओर बढ़ रहा है। आप कल्पना करिए स्वच्छता के साथ साथ इससे हमारी माताओं बहनों के लिए कितनी सुविधा बढ़ी है। पहले ही कितनी ही महिलाएं घर से निकल नहीं पाती थी काम पर नहीं जा पाती थी क्योंकि बाहर टॉयलेट की सुविधा ही नहीं होती थी। कितनी ही बेटियों को स्कूल में शौचालय न होने की वजह से पढ़ाई छोड़नी पड़ती थी। अब इन सब में बदलाव आ रहा है। स्थान नहीं मिलता था नहीं।
आशा परवर्ती खबर को स्थायी नियुक्ति दाबी रे ठीका कर्मचारी टाटा पावर कार्यालय आगे आउटसोर्स कर्मचारी अभिन्न प्रतिवाद जोता पुलिस कर प्रतिवाद जन विद्युत कर्मचारी आंदोलन को 72 दिन बीती जाते भी टाटा पावर कौन पदक्षेप अभियोग आज मुख्य फाटका करे आउटसोर्स कर्मचारी जोता पुलिस कर देखा मिलता पीताम्बर नाहक रही प्रतिनिधि पीताम्बर एवं भी आंदोलन से बसी जो मैंने आउटसोर्स कर्मचारी अच्छा से स्थायी निजुक्ति दाबी नहीं तो वर्तमान से दाबी कौन रही नीलिमा निश्चित भाव जमीक 72 दिन व्यवधान पर जो भाव में सरकार जिते बड़े शुणुना टाटा कर्तृपक्ष शुणुना बाध्य आज यही पंथा अवलम्बन कर जे मात्र 2 टंकारे संपूर्ण भाव आम बुट पलिश करूँ जे आप पूरा चित्र देखुं जो भाव में टाटा कार्यालय विशेष भाव जो कर्मचारी मैंने जाती समस्त संपूर्ण भाव से मैंने जोता पलिश करशेष करे गोटे अभिन्न प्रतिवाद जनावे सबू प्रतिवाद पर भी सरकार जिते बड़े शुणुना बाध्य होने बुट पलिश करने सरकार को चेतवाई टाटा कर्तृपक्ष को चेतवाई आज्ञा शुणुना आप 72 दिन है धारणा बस आम सब आप आज बुट पलिस करना कहना ना सर से कहते हैं पलिस ना आम ए 15 वर्ष कि 12 वर्ष कि 13 वर्ष अभिज्ञता आम पलिस कर शिखाऊ आम पलिस कर शिखेबू किमी जो मैंने श्रमिक मैंने जो पलिस कर चेतो तार विवेक आसो जे पाने 15 वर्ष 14 वर्ष के बाधा विघ्न सही करके काम करमर हक आम लाज आम ये बसीचु जो पर्यंत आम प्राप्य आमको मिलनी आम एक हटवार ना आप जो चुक्ति होता से चुक्ति को पर आउ थे टाटा कहला चुक्ति ये सहमत ना ना सर से आम कौ आम 2 दाबी प्रथम दाबी है 200 पिला रेगुलर करवा बाकी समस्त कर्मचारी को इनसोर्स करवा कौन टाटार मन मानी सर से खाली प्रथम कथा से गोटे कथा कहते आमर टाटार पलिस ना प्रथम कथा कहते पलिस ना आम पलिस शिखेबू सार शिखेब पलिस शिखेबू दरकार पड़े मतलब मालिश करके छाड़ू किसी असुविधा ना निश्चित भाव जो मैंने पलिस बसी देखुंत ना ये किसी टंका रही दुई टंकारे पलिस करने संपूर्ण भाव से मैंने एमती दाबी जनावं भाई सका एपर्तंत बस ले कि आसिले आलोचना करने वर्तमान आमर 4 जन एससी सुपरटेंडेंट ऑफ इंजीनियर 2 जन जीएम जनरल मैनेजर आउ जे आमर आसते एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सर इमें बहुत बड़ बड़ टाटा मान रेवेन्यू प्रोटेक्शन ऑफिसर इन गोटे 30-40 जन आसिले भगवान आमर ये परिश्रम जो आमर परिश्रम जो कि आम पांठि कलेक्शन हो पांठि आम कौन करूँ आमर जो आंदोलन चलचु पे खाया कलेक्शन करवा कथा निश्चित भाव जमी आलोचना करुचे देखो आप हाथ में जामशेद जी टाटा फोटो धरी जो भाव से मैंने बैनर लगे कहीं सरकार शुणुना से प्रतिक्रिया जो भाव आम आने भाई आप 72 दिन है एमती धारणा बस बारंबार आलोचना होती आउ थे गत काल आलोचन से कौन कहले आज्ञा गत काल आलोचन से कहले कि आम पलिस ना से पलिस कर आज मतलब शिखि पारे तो सरकार ना 72 से पलिस कर शिखि ना 72 दिन एमती बसू आम तो आज आम पलिस करूँ आम आम पलिस जो शिखीचु आम से शिखे कह आसुए गोटे आम भिन्न आगे से हूँ से पलिस जानते आम आम जो पलिसटा आम जानू आम शिखुचु बुट पलिस कर मो सहयोगी देखी से पूरा चित्र देखाइबे जे जमीक जो भाव में संपूर्ण भाव देखुं जो कर्मचारी भी जाती उपरिस्थ अधिकारी एवं पूरा संपूर्ण चित्र देखा ये केवल जे 5 रु 7 जन कर्मचारी नुहति एमती दैनिक 500 रु अर्ध कर्मचारी संपूर्ण भाव टाटा कार्यालय सम्मुख में धारणा बस सका राति पर्यंत किंतु कौन प्रकार ना से कर्तृपक्ष सठिक भाव में सहित आलोचना कर ना सरकार भी चेतुंट सबुठ बड़ कथा हो सरकार जो चुक्ति करते सहित से चुक्ति की मध्य मानवा को नाराज रोचार टाटा कर्तृपक्ष ए सबुठ विड़ंबना जो भाव में जितेबले बना बात्या दुर्विपाक समय आसी था से देवदूत साजि था कि एमती आज दिन कटुची आज्ञा आप पूरा नेतृत्व नौते पूरा टीम को केते दिन एमती आउ थे धारणा बस धारणा दाबी पूर्ण होगा बस अच्छा 72 दिन है काली जो आलोचना है से माने हम काली कहते टे आम सरकार साथ कथबार्ता करूँ आम तो कही सरकार साथ कथबार्ता कला बना आम ये बस छू ना नुआ नुआ अभिनव उपाय करूँ
बर्तमान आम मस हंगर स्ट्राइक करने आज नोटिस देदेव सात दिन भितर जब कार्यक्रम न सरुचे सब पे मस हंगर स्ट्राइक सब आलकानगिरी नवरंगपुर कोरापुट जयपुर आमर कंधमाल बौद्ध आ सब जगार गंजाम जिलार भंजनगर आस्का आउ दिगपहंडी शुणुले पूरा दक्षिण ओडिशा रो जो कर्मचारी मैंने आतुरी रु अर्ध दिन है एमती ब्रह्मपुर सहर से पड़ी रही स्थायी निजुक्ति जितेबाला राज्य सरकार एवं पूर्वर जो साउथको एवं उभयों मध्य गोटे चुक्ति स्वाक्षर रही है 200 जन को स्थायी निजुक्ति दिजिव आ बाकी समस्त को रोल को अणाजी किंतु संपूर्ण भाव जितेबाला टाटा आसला ता परवर्त समय कहला ए चुक्ति को आम संपूर्ण भाव सहमत करूँ ना जो आउटसोर्स कर्मचारी मैंने धारणा कर दावी पूरण ना आगामी दिन में हंगर स्ट्राइक को चेतावनी धन्यवाद पीताम्बर रेटम प्रतिनिधि पीताम्बर नायक अवर्ती खबर को स्थायी निजुक्ति दावी से पड़े आयुष डाक्तर गांधी जयंती करेंगे असहयोग आंदोलन स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में आयुष डाक्तर मैंने गुरुत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करोड समय निज जीवन को बाजी लगे ट्रेनिंग स्क्रीनिंग और ट्रिटमेंट कार्य नियोजित थे अथच सरकार आयुष डाक्तर समस्या समाधान प्रति ध्यान देना आयुष डाक्तर को स्थायी निजुक्ति दावी नहीं बारंबार सरकार दृष्टि आकर्षण करूँ सरकार कौन से पदक्षेप ग्रहण करना दाबी पूरण ना आसंता गांधी जयंती संघ तरफ असहयोग आंदोलन हो गंजाम जिला आयुष डाक्तर संघ तरफ चेतावनी दी जाएगी राज्य आयुष डाक्तर संघर आह्वान क्रमे जिला आयुष डाक्तर संघ तरफ एक सांबादिक सम्मेलनी करा जाए विभिन्न समस्या पर दृष्टि आकर्षण कर बिना स्वार्थ बिना दुईधारे आम जिलार कलेक्टर महोदय को जेहेतु मुख्यमंत्री जिला सम्मान आम दिन राति खटी किंतु आमर मुख्य दाबी होची रेगुलेशन आज की 14 वर्ष होला आम सेवा जोगौचु जो राति दिन एलोपाथी भी चिकित्सा करुचु ए नहीं बहुबार जनईथुलु बहुबार आंदोलन करथुलु किंतु आमको बहुत प्रतिश्रुति दिया जाइछे किंतु को प्रतिश्रुति पालन करा जाय नै 2 तारिख रे आम असहयोग आंदोलन करिवु असहयोग अर्थ होला आमर सिस्टम रे स्वास्थ्य आमको आयुष विभाग को बुझिबा पई दायित्व दिया जे आम आयुष विभाग को ही बुझिबु बाकी ए सरकार स्वास्थ्य विभाग जिते सब प्रोग्राम अच्छे आम बर्जन करूँ असहयोग कर आसिया परवर्ती खबर को चांदीपुर बेलाभूमि रे मद कुड़िया निर्माण को विरोध विभिन्न बेलाभूमि रे बीच स्नैक्स बा मद कुड़िया खोलिबा पई राज्य सरकार योजना करछन्ते गोवा भली ओडिसा रो बेलाभूमि रे मद कुड़िया खोलिबा पई निष्पत्ति होची मात्र यहा को विभिन्न महलु निंदा करा जैछि सेबरी चांदीपुर बेलाभूमि रे मद कुड़िया योजना को विभिन्न स्वेच्छासेवी संगठन पक्षरु विरोध करा जैछि प्रतिवाद रे विभिन्न संगठन कर्मकर्ता माने बालेश्वर जिलापालक कार्यालय सम्मुख रे धारणा दैछन्ते बालेश्वर चांदीपुर समेत जिले रे तालसरी उदयपुर डग गरा पंथा बेलाभूमि रे मद कुड़िया निर्माण पई राज्य सरकार योजना करछन्ते मात्र 4,500 कोटी होची राज्य बेलाभूमि कुड़िया मद कुड़िया योजना रखछन केवल पुरना बालेश्वर कुटीर शिल्प को अटकेबा पई बढ़िया चला जते बारे बजेट प्लेस करा हेची मात्र 4,500 कोटी होची राज्य बेलाभूमि कुड़िया मद कुड़िया योजना रखछन केवल तेबे यहाँ विरोध में ओल्लैंट विभिन्न सामाजिक संगठन यहाँ नहीं प्रतिवाद से करते तेज संपर्क अधिक सूचना पाई रही प्रतिनिधि संजय मालिक रही संजय सौंदर्यकरण आड़े जदि आम देखा पर्यटकों आकृष्ट करने हो पर्यटन स्थल विकास कथा सरकार दुआही दे वर्तमान जो बी स्नाक्स मद कुड़िया निर्माण करने जाऊँ बर्तमान विरोध देखाई प्रथमे पुरी रे मते देखा जितला एको नै मते पुरी रे बेस विरोध रो सामना करिया को पटला सरकार को एबे बालेश्वर कथा आसी छी तो विभिन्न संगठन आंदोलन को लेछन से माने कोन कहउछन्ती एको नै केमिति प्रतिक्रिया देखिया को मिलि छी देखु नीलिमा आप पूरी कथा कहतु कि बालेश्वर कथा कहतु राज्य सरकार जो निष्पत्ति नहीं बालेश्वर जो बेलाभूमि जो चारोटी बेलाभूमि पांचटी बेलाभूमि कथा कहते चांदीपुर को मिसेकि जो बेलाभूमि जो मद कुड़िया निर्माण कथा कहु जहाँ को बालेश्वर विभिन्न सामाजिक संगठन यहाँ प्रतिवाद कर दीर्घ समय धरिकी प्रतिवाद कर राज्य सरकार तथा जिला प्रशासन यहाँ दृष्टि कौन पदक्षेप ग्रहण न कर आज से गणधारणा को तेज आप देखिपुर ये चित्र देखूँ प्राय 10 रु अधिक जो सामाजिक संगठन रही धारण में सामिल होती दृढ़ प्रतिवादर सहित आज से धारण में बस तेज मुझ सीधा प्रतिक्रिया ने जो संगठन रिच्छी कर्मकर्ता रही मैडम आप कहीं विरोध कर एक्चुअली आम सरकार बेलाभूमि मद कुड़िया योजना को विरोध करुच्छू कहना यहाँ द्वारा युवपीढ़ी दिग्भ्रष्ट हे
ଏବଂ ସମାଜର ଉନ୍ନତି ତ ହେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ସମାଜର ଅବନ୍ନତି ହେବାଟା ନିଶ୍ଚିତ। ଆପଣଙ୍କର ଆଜି କିଏ ନିଶା ଖାଇକିରି ସେ ତାର ମଦ ପିଇକିରି ସେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛି, କିଏ ପାଣିରେ ପଡ଼ିକି ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଅପମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି, ତାର ବାପା ମାଆ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଖିର ଲୁହ ଝରୁ ନାହିଁ, ଶୁଖୁ ନାହିଁ, ଝରି ଚାଲିଛି ଆଖିର ଲୁହ, କାହାର ସ୍ୱାମୀ ଚାଲି ହେଉଛି, କାହାର ତାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅମାନେ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଭ ମିଳୁଛି? କେବଳ ମୃତ୍ୟୁ, ନିଜର ଯୁବ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ନିଜର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କର କେବଳ ମୃତ୍ୟୁ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ମିଳୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶର ମାଟି ବାଲେଶ୍ୱର ମାଟି, ଶିକ୍ଷିତ ହାର ଏଠି ବହୁତ ଅଧିକା, ଏଇଟା ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ମାଟି, ଏଠି 150 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପେଟେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିସିନ୍ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ମଧ୍ୟ ନିଶା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ଏହି ମାଟିରେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରି ରହିଛି, ଐତିହାସିକ ବିଭବ ରହିଛି, ଏ ମାଟିର କୋଣ ଅନୁକୂଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଡ଼ି ମାଟିରେ ଭରି ରହିଛି ଭାଷା ପ୍ରତି, ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି, ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଓ ସଦ୍ଭାବନା ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଧାରଣା ବା କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା କେତେ ସମୟ ଧରିକି ଚାଲିବ ବା କେତେ ଦିନ ଧରି? ଆମେ 100 ପାଖାପାଖି ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦେଇଛୁ, ତଥାପି ସରକାର କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ପୁରୀରେ ସିନା ଗଜପତି ବାହାରି ଆସିଲେ 40 ସଂଗଠନ ସହିତ, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ବାହାରି ଆସିଲେ, ଏଠି ଆମର 100 ପାଖାପାଖି ସଂଗଠନ ନିଜେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ନିଜେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଗଜପତି ଭାବରେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସୈନିକ ଭାବରେ ଏଠି ଆଜି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ଭକ୍ତିପୂତ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, ଏବଂ ଏ ଧାରଣା ଚାଲିବ କିଛି ସମୟ, ଆଉ ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତାବ ମାନ ଯୋଜନା ମାନ ଘୋଷଣା କରିବୁ, ଏବଂ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ, ମହିଳାମାନଙ୍କର ସମାବେଶ କରିବୁ, ଏବଂ ଅନଶନରେ ବସିବୁ, ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେବୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଏଠି ସମସ୍ତେ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, ବାଲେଶ୍ୱର ମାଟିରେ ଚାନ୍ଦିପୁରରେ ଯେଉଁ 2 ତାଳସୀରେ 2 ଉଦୟପୁରରେ ଗୋଟେ 5 ମଦ କୁଡ଼ିଆ ଯୋଜନା, ଯେଉଁ ଗୋଆ ଷ୍ଟାଇଲରେ ସେ କରିଛନ୍ତି, ସରକାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ସେ ବେଳାଭୂମି ମଦ କୁଡ଼ିଆ ଯୋଜନା ଆମେ କରାଇଦେବୁ ନାହିଁ, ଏହା ପ୍ରତି ଆମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ କେବଳ ଯେ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ନୁହନ୍ତି, ଏହା ସହିତ ଅନେକ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିରୋଧରେ ଆଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣ ଆଗରୁ ବି ମଧ୍ୟ ନଜିର ରହିଛି ଯେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଦେଶୀ ମଦର ଆସର ଜମେ, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯାହା ଆମେ ପାଇଥିଲୁ କି ବାଲେଶ୍ୱର ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ଦେଶୀ ମଦ ବିକ୍ରି ହୁଏ, ଯାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାସନ ରୋକ ଲଗାଇ ପାରିନାହିଁ। ତେବେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଣି ଏଇ ଯେଉଁ ମଦର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ବା ବେଳାଭୂମିରେ କୁଡ଼ିଆ ତିଆରି କରିବା, ଏହାକୁ ଆପଣ କେମିତି? ମୋ ନାଁ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନନ୍ଦୀ, ମୁନାର ମୁଁ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ଆଜି ସରକାରଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି ମଦକୁଡ଼ିଆ ନାଁରେ, ଏ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ମସ୍ତିଷ୍କର କଥା ମୁଁ କହିବି, କାରଣ ଏଥିରେ କାହାରି ଉପକାର ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ଲୋକ ଆହୁରି ଯେଉଁମାନେ ବେଳାଭୂମିରେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଜନତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏହି ଯୋଜନାକୁ ବେଶ୍ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ଆହୁରି ସେମାନେ ଶାଣିତ କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଦେଖିବାର କଥା ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ନା ଯେଉଁ ବିରୋଧ ଭାଷର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି? ଧନ୍ୟବାଦ ସଞ୍ଜୟ, ରେଖାମ ପ୍ରତିନିଧି ସଞ୍ଜୟ ମାଳିକ। ଖବର ଜାରି ରହିବ, ସାମାଜିକ ବ୍ରେକ୍ ର ସ୍ୱାଗତ। ବେଆଇନ ପାଉଁଶ ଡମ୍ପିଂକୁ ବିରୋଧ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କୋଲାବିରା ବ୍ଲକ ପରମାଣପୁର ମୌଜା ପାଇଁ ବଢ଼ୁଛି ବିପଦ। କାରଖାନାରୁ ନିର୍ଗତ ପାଉଁଶ ଯୋଗୁଁ 49 ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ପୁରୁଣାଠାରୁ ପରମାଣପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଷ ବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପାଉଁଶ ପରିବହନର ସମସ୍ତ ନିୟମକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ମାଲେମାଲେ ହେଉଛନ୍ତି ଦଲାଲ। ଏନେଇ ପରମାଣପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁଞ୍ଜିଭୂତ ଅସନ୍ତୋଷ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି। 7 ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷ ପରମାଣପୁରଠାରେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ପାଉଁଶ ପରିବହନ ବନ୍ଦ କରା ନଗଲେ ଆଗକୁ ପରିସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର ହେବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରକାଶ ରାଣା ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶ, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆସ ପଣ୍ଡକୁ ନେଇ କେତେବେଳେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ବା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବାସିନ୍ଦାଙ୍କର ବିରୋଧ, ଏବଂ ଏବେ ଆସିଛି ପାଉଁଶ ଡମ୍ପିଂକୁ ନେଇ, ତ କ'ଣ ଲୋକେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି, ଭୟାନକ ପରିସ୍ଥିତି, ଲୋକେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ନିଲିମା, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ତ ଚାଲିଛି କମ୍ପାନୀ ରାଜ ଆଉ ମାଫିଆ ରାଜ, ଏଠି ଯଦି କେହି ବି ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ତାକୁ ପୋଲିସ ଲଗାଇ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଛି, ଏମିତି ଘଟିଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଏଇ ପରମାଣପୁର ଗାଁରେ। ଗତକାଲି ଘଟଣା ଘଟିଗଲା କି କିଛି ମାଫିଆ ଆସିଥିଲେ ଜବରଦସ୍ତି ଜମିରେ ପକାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଲୋକ ତା'ର ବିରୋଧ କରିବା ଯୋଗୁଁ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ କଥା ଝଗଡ଼ାଫଡ଼ା ହେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆସିଥିଲା କଥା ଥାନାକୁ ଥାନାକୁ କିନ୍ତୁ ଥାନାର ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଥିଲା ତାହା ସେଇ ମାଫିଆମାନଙ୍କୁ ସୋହିଲା ପରିକା ଏ ଗାଁ ବାଲାଙ୍କ ନାଁ 2 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ
मिछ मकदमा दायर कराई सेतिपा आज शशाधिक आज शहशाधिक ग्रामवासी घेराव करछन्ती कोलाबीर थाना आसतु पचार बुझिबा से जो माने घेराव करछन्ती एक्चुअली घटना कोन घटितला ए बिषयरे से माने कोन कहबे एक्चुअली घटना कोन घटितला आपनकर कोन घटिछि एथि घटना आज शशाधिक एथि आसीके घेराव करछन्ती घटना कोन घटिछि हमें पाते आस पकोछन जे हेथिर लागि हमें जाइथिनु काय आरु बाद रास्ता के डुढ़ा कुर दे हमें इन्हें बंद करमु हैं आस पके कि दौनी कि आउ फिर नापी से जगह ने फैक्ट्री है बाकी कण है बाजी फैक्ट्री है बोली तो नी को हबार हमके हम केनसीटा होई के भी नी दऊ हमें हेंता गछ मूल छे हमें एतिर फल मूल खाई कुरी हमें झाड़ू फाड़ू दाई कुरी हमें हेंता बिजनेस करी कुरी हमें चलु छु हमें केनसी हिसाब से ने किछ होई के नी दऊ देखिले तो ग्रामवासी केमती कहते कि से बिल्कुल ये कंपानी करने को देवे कारण से भिटामाटी भी हर बसले एवं कौन चाषवास भी कर जदि से बाध्य कराए निष्पक्ष से आग को आहरी किसी बड़ पदक्षेप ना आसतु पचार बुझा ये जो आहत होती युवक पचार बुझा कौन होता कल आज्ञा आम जो आम गाँववासी लोक आम विरोध करके गलु बोले आज्ञा आदि से तमें गुंडाधूर जाइए आज्ञा आउ हमके मारपीट कर हरिकृष्ण हता आज्ञा गुंडा धूर होता पांच लोक मत पिटी पकाले एकला लोक मुझे मुझे एकला लोक सबाज कर जाकी पकाले मत देखुन तो आस आस माफिया मैंने केमी मारी युवक को से गाँव रे ये भिडियो सुटिंग करते कहीं आपको माड़ दे कि हाथ में कितने क्षति होती मैंने कौन लगुच स्पष्ट करूँ कि कंपानी कंपानी जो जो आस रही डंपिंग करने जंगल को चूज कर जो ग्रामवासी विरोध कर स्थानीय बासीदा परमाणपुर बासीदा विरोध करा आउ कौन रही घटना आप मत कि बुद्धिजीवी रही पचारत कि कौन से कहते कंपानी कौन कर दाबी कौन धारणा ये जो थाना रा घेराव कौन पाई आज जो थाना घेराव कर एक्चुअली कारण टा कौन कौन घटी लगे काली तो कौन घटी ला मुझे तो प्रेजेंट नथिले सेठी हला तापरे आज सकालु आम घर को जाइथिले थाना थ्रोरु आउ बोध बड़ बाबू पठेले स्टाफ को पचारिबारु से माने कहले कि बड़ बाबू पठेजंती मु कहले कि कौन पाई पठेजंती से कहले कि आपन को नारे एफआईआर अछि तो किए देला तापर से कौन गोटे बेणुधर किसान बोल कि जड़े सेपर एफआईआर दे का कौन एफआईआर जो मुझे पचार किसी कहले आप थाना को आसतु आसले मुझे डके जोटा भी हो कथा बोल से कहले मुझे कल नी से जगार मो ना एफआईआर केमती है लोकों भितर बेस असंतोष देखा मिली आस को नहीं डंपिंग को नहीं बर्तमान से देखा थाना घेराव कर उत्त्यक्त लोके धन्यवाद प्रकाश ये रखा प्रतिनिधि प्रकाश राणा शेष होगा चलित बर्षर मौसुमी ऋतु नियंटिया वर्षा मौसुमी ऋतु शेष हो जून एक रु सेप्टेम्बर तीस मध्य 9.8% कम वर्षा रेकर्ड हो चलित बर्ष जून में 3% नियंटिया वर्षा रेकर्ड होता बेले जुलाई में 19% अगस्ट शेष बेलू 28% नियंटिया वर्षा होता फल राज्य में चाष कम बे प्रभावित होता है सेप्टेम्बर मस बदली जाता चारि लघुचाप बात्या गुलाब सहित स्वाभाविक 75.6% अधिक वर्षा होता चलित बर्ष जून में 3% नियंटिया वर्षा रेकर्ड होता बेले जुलाई में 19 अगस्ट शेष बेलू 29% नियंटिया वर्षा होता एभली नियंटिया वर्षा राज्य में अधिकांश जिले में चाष कार्य प्रभावित करता तेज सेप्टेम्बर मसने स्थिति बदली जाता और स्वाभाविक ठारु अधिक वर्षा होता सेप्टेम्बर अतिवृष्टि नियंटिया स्थिति को बहुमात्र भरणा करते संपूर्ण भरणा कर सक्षम होने अनेपटे अगस्ट पर्यंत नियंटिया वृष्टि चाष को जीक चिंताजनक स्थित पकड़ा सेप्टेम्बर अतिवृष्टि केवल वर्षार परिमाण को समतुल करना कितु चाष पर सुफल पड़ना संपर्क अधिक सूचना पाई रही प्रतिनिधि सुरेन्द्र बारिक रही सुरेन्द्र नियंटिया वर्षा जी आम देखा चलित बर्ष जी वर्षा हवा कथ स्वाभाविक ठार् कम वर्षा हो जो चाष कार्य प्रभावित होती एवं अतिवृष्टि जहाँ भरणा सिना कला कि चाष जी परिमाण में हवा कथा चाषी को सुहैबा कथा से सुहाई पारे तो मोट उपर चाषर स्थित कौन आप देखुं पश्चिम ओडिशा देखो नीलिमा आई एम डी पक्षर जिते प्रेडिक्शन दिखाई है चलित बर्ष ओडिशा रे स्वाभाविक वर्षा है बोली किंतु चलित बर्ष आम गोटे हिसाब से कह मौसुमी धोखा केवल सेप्टेम्बर मस रे लघुचाप जो कि स्थित सुधरी किंतु आम पाखे जहाँ आई एम डी सूत्र जहाँ तथ्य हस्तगत ओडिशार 6 जिले में नियंटिया वर्षा होती पश्चिम ओडिशा से भितर 4 जिला कलाहांडी बलांगीर संबलपुर और झारसुगुड़ा यहाँ सहित नवरंगपुर और जाजपुर जिले में नियंटिया वर्षा स्थित लगी रही दुईट जिले
जिले स्वाभाविक वर्षा ठूँ अधिक वर्षा हो 22 जिले में स्वाभाविक वर्षा हो सबुत बड़ कथा है जे राज्य 1155 mm वर्षा होगा कथा कितु चलित बर्ष 1046 mm वर्षा हो पाखापाखि 9% रु ऊर्ध कम वर्षा हो तो जदि आम संबलपुर जिलार स्थिति देखा तो नियंटिया वर्षा जो आम जहाँ जिला मुख्य कृषि अधिकारी को पचारूलु तो संबलपुर जिले में 1343 हेक्टर जमी रुआ हो पारे जेहेतु वर्षा है तो सबुत बड़ कथा है जेहेतु सेप्टेम्बर प्रथम सप्ताह जब आम राज्य स्थिति देखा पाखापाखि 23-24 जिले में नियंटिया वर्षा रही है एनिक मुख्य शासन सचिव हेल्ले गोटे रिव्यू करते हैं कृषि मंत्री हेल्ले रिव्यू करते हैं तो सब उभय प्रभावित होती। धन्यवाद सुरेन्द्र रेखलाम प्रतिनिधि सुरेन्द्र पारिक समय बुलेटिन को रखा नमस्कार।